ओके, हम लोग पहुंच गए हैं वो झरना, एक छोटा वाला, अभी एक लंबा वाला है। पहले हम लोग छोटे झरने को देखते हैं। कैसा लग रहा है मनु? और जो झरना पीछे चल रहा है उसकी साउंड बहुत अच्छी लग रही है मधु, तो उसके साथ ही हम लोग भी, मैं बांसुरी लाया हूँ तो बांसुरी का आनंद लेते हैं। अभी हम लोग एक छोटे झरने पर पहुंचे हुए हैं, इनको अभी बड़े झरने की ओर आना है क्योंकि बच्चे हैं तो इनको पानी बहुत अच्छा लगता है और मोनू को तो पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने थोड़ी यहाँ पर मस्ती कर लिया है और देखते हैं अभी बड़े झरने पर वहाँ भी पानी कितना है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है इधर तो पानी थोड़ा कम हो गया है। अब हो गई बहुत थकान और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो बस पानी नहीं पिया। हाँ, झरना तो अभी कम हो गया है, पहले बहुत पूरे में झरना आ रहा था तो अभी पानी का लेवल कम हो गया, झरना बहुत कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी तालाब बन गई है तो थोड़ी देर वहीं पर मस्ती करेंगे। हम आ गए फिर से और जो हमको इस नदी में जाने का मतलब नहीं कर रहा है, लेकिन कैसे जाए, क्यों जा रही है ये। यहाँ से झरना आता था और बहुत सबसे ऊंचा झरना था इधर का, ही पानी की लेवल कम हो गया है, मछली मिल गई है। क्या बन रहा है? अच्छा, इस झरने का यहाँ पर नाम तो पता नहीं मुझे इस जगह पे, लेकिन बहुत, मैं एक बार पहले आया था तो काफ़ी बड़ा इसमें झरना था, वो ऊपर से इतना प्यारा झरना लग रहा था और अभी इसमें पानी बहुत कम हो चुका है और नीचे तालाब तो है, पानी बहुत है लेकिन पानी डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा, इसका जो लाइन है अगर वो इस तरफ लाइन पर आता तो शायद और अच्छा झरना दिखता, तो ये डाइवर्ट होके इस तरफ आ गया है, तो कोई नहीं, चलो लेकिन मज़े किए हमने और एक हत्ता दिवाली देखी। अगर इसको संरक्षित किया जाए और इसको इसकी देख रेख किया जाए, और शहर के नज़दीक था, थल के नज़दीक और रोड की भी नियर है, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर हो सकता था, और भी इसको झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटी जाएँ और उस जगह तो बहुत अच्छा एक टूरिस्ट पैलेस बन सकता, बहुत टूरिस्ट यहाँ आएंगे। तो चलो भी देखिए, मजा आता है।
तो अब हम शायद थल में ले जा सकते हैं और शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि मामा कह रहे हैं कि वह गाड़ी ले जाने देते हैं, नहीं ले जाने देते हैं। तो अब हम हमारे इधर से रवाना हो गए हैं और अब जाने लग गए हैं। अब हम लोग झरने से आ गए और गाड़ी खड़ी है तो अब लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह गीला हो गया हूँ, मेरा पैंट ये पूरी तरह भीग गया था झरने से, तो अब कार में कैसे बैठूंगा। तो हेलो गाइस, अब हम मजे करके आ चुके हैं झील में। यार मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम झील में नहीं जा पाए। मैं बताती, मैंने इसे मना कर दिया झील से जाने की, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी था, बहुत ही ज़्यादा गहरा, और अगर ये वहाँ जाती एक तो ये बीमार भी होती है, तो इसको बीमार हो जाता। हम लोग अभी आधे रास्ते में रुक गए हैं क्योंकि यही है सतयुगी वृक्ष, पीपल वृक्ष, जो सतयुग से कहते हैं कि जो सतयुग से वो अभी भी मतलब है, तो एक बार देखते हैं जरा हम भी वहीं जाके वो कैसा है सतयुगी वृक्ष। यहाँ देखिए गेहूं की फसल पूरी पक चुकी है और यहाँ का सौंदर्य बहुत अच्छा है और जो यहाँ की फसल है पूरी तरह पक चुकी है, ये देखिए गेहूं और यहाँ काटने भी लग गए हैं, और कितना अच्छा यहाँ का दृश्य है। ये देखिए पूरे 360 मैंने कैमरा घुमा चुका हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है चारों ओर से, और खेत में जो फसल हुई है कलर भी उसका बहुत अच्छा हो रहा है। ये हम लोग पहुंच गए हैं सतयुगी वृक्ष पीपल पे, तो देखिए कई वर्षों से इसका कोई, इसका जो अनुमानित एज कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा है, सब यही बोल रहे हैं गांव के लोग, मैं जितनों से बताया कर रहे हैं कि सतयुगी वृक्ष है। आप देखें ये वर्षों पुराना ये पीपल का पेड़ है, तो यहाँ के गांव में लोगों से पता किया तो बता रहे थे कि ये पीपल का पेड़ हम भी जब बच्चे थे, जो यहाँ कम से कम 80 ईयर 90 ईयर के जो अभी जो हैं यहाँ पर, तो बता रहे थे हम जब छोटे थे तो हम लोग अपने दादाजी या अपने पिताजी लोगों से यही सुन रहे थे कि यार ये जैसा पेड़ उन्होंने हम आज देखें ऐसा ही पेड़ कई वर्षों पहले भी ऐसा ही था, तो इसके बारे में कोई नहीं जानते कि ये कितने साल पुराना है, लोग यही बोलते हैं कि सतयुगी वृक्ष है। कब बटे थे रुख वो बुरी बात गई में से बोल एड्रेस बोलो अगर एल ते पाच चल गया तो वो बुरी गई नहीं लिया तो उन्हें उन्हें नहीं गए अब तक कलंगी आ जाए वो बच्चे हैं ना। और तो पहले यहाँ नदी कई साल पहले नदी बहती होगी अच्छा। जो कटते हुए नीचे पहुँच गई। अच्छा, जो रामगंगा नीचे था। अच्छा, वजह से ये प्लान हो गया है। फिर ऐसी देखा सब ने, आप देख रहे हो मूर्तियाँ बहुत पुरानी होंगी जो आप पेड़ ने अपने उसमें आगोश में ले लिया। हाँ हाँ, अच्छा ये मूर्ति यहीं पर थी। वो उसमें मूर्ति एक अंदर भी है उसकी, देखना आप। हाँ अंदर दिखी मैंने। हाँ हाँ, तो आप लगा लो आप कब से होगा ये। हाँ, हमने तो ऐसी देखी है छोटी मोटी टहनियाँ टूटती रहती है आती रहती है। अच्छा अच्छा, ये हमेशा हरा भरा ही रहा। हाँ हरा भरा ही रहा, अभी ये पतझड़ के टाइम में गिर गए हैं, फिर अभी बाकी खेत के सारे लोग यहीं बैठ के आराम करते, बाकी खेत में हमारे कहीं कोई पेड़ नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं? जिसको भी रेस्ट करना है यहाँ आके
आराम से करते हैं। तो कोई बुढ़िया अम्मा थी जो मतलब शक्ति रूप में होंगे वो, हाँ शक्ति, तो इसमें झूला टाइप का खेलते थे। अच्छा अच्छा। अम्मा अम्मा कई बुजुर्ग कहते हैं हमने देखी देखा है उनको। अच्छा। वही जो रात्रि में इधर जल चढ़ाने आते हैं उनको ही दिखती है वो शक्ति रूप ठहरे हो। तो गाइस अब हम यहाँ से भी जाने लग गए हैं, टाइम भी हो रहा है और इसके बाद हम थल में लगेंगे। आई होप जाए क्योंकि इतना नहीं है पर जाएंगे तो मजा नहीं जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं थल, बिल्कुल रामगंगा घाटी है, आप सामने दिख रही है जो रामगंगा नदी बह रही है और उसके बीचों बीच जो पुल बना हुआ है रामगंगा नदी के ऊपर। तो इधर से थल से बेरीनाग को जाते हैं रास्ता, यही वाला रास्ता है आगे को बेरीनाग जाने के लिए, और यहाँ से हल्द्वानी वगैरह भी इस रास्ते जाते हैं हम लोग सेरा घाट होते हुए। तो अभी हम लोग वापसी कर रहे हैं मौनी को, तो हम लोग चोपड़ा पे उतर गए हैं, तो चोपड़ा में हमको भूख लगी थी तो हमको एक होटल पे हम लोग यहाँ रुके, तो हमने यहाँ खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था और छोले चावल, हमने यहाँ चावल भी लिया और थोड़ा छोले लिया। ये बता रहे कि छोले चावल खाने के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, तो आप भी जब आते हैं तो चोपड़ा पर है थल को जाते टाइम आप जब जाएंगे तो वहाँ पर बीच में पड़ती है होटल है इनकी, तो यहाँ पर छोले चावल आप ज़रूर खाइए, बहुत अच्छे हैं। तो ये यहाँ पर इनके ऑनर हैं, जरा इनसे पूछते हैं। आइए एक बार, मौका दें हमें भी। तो ज़रूर आइए इधर पे, बहुत अच्छे थे, हम लोगों ने टेस्ट किए क्योंकि हम तो बहुत जगह खाते रहते हैं, तो यहाँ पर खाया तो हमने बहुत अच्छा था। तो ये लोग अभी खाने में ही हैं, तो और ये नेगी रेस्टोरेंट एंड भोजनालय है चोपड़ा पे, आप खाइए। कैसे थे बेटा? अब हम वापसी कर रहे हैं अपने गांव वोक्टा को, और मैंने वहीं गांव पे एक हुड़का बनाने वाले हैं तो उनके पास ले चलूंगा आपको। तो मैंने भी अपना हुड़का बनाने को वहां दिया है, तो देखते हैं कैसा बनाया हुड़का। ये हैं हमारे श्री दुर्गा राम जी और बहुत बुजुर्ग हैं, और अब थोड़ा सा क्या है कि बाकी देख तो अच्छा पाते हैं, थोड़ा कान कम सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट को बनाना और उसके बाद उसको बजाना तो बहुत मुश्किल काम है, और ये काम करते हैं। इनका वीडियो मैंने, इनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने पहले बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उस पर देख सकते हैं। तो इसलिए मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या बजाते हैं तो उनके पास चले जाता हूँ, क्योंकि बहुत सी जानकारियां मिल जाती है, नई नई नॉलेज मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। तो ज्ञान तो हम जितना लें उतना कम है, तो ये बेचारे सुन नहीं पाते हैं, लेकिन अभी भी मतलब सुर के साथ, मतलब इनको ऐसा एक कहते हैं ना, इनकी ज्ञानेंद्रियां इतनी अच्छी हैं कि ये बिना सुने भी बता देंगे कि ये कैसा बज रहा है करके। तो मैं आज आया हूँ यहाँ पर श्री दुर्गा राम जी के घर पे, और मैं जब भी आता हूँ गांव तो इनसे ज़रूर मिलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा आता हूँ। और आज तो इन्होंने मेरे लिए कब से वेट कर रहे थे कि, क्योंकि मैंने इनको हुड़का बनाने को दिया था, तो इन्होंने आज हुड़का तैयार कर दिया है, वेट कर रहे थे मेरा, तो आज मैं इसको उड़के को ले जाऊंगा पिथौरागढ़। तो देखिए बहुत अच्छा, वो बजाते भी हैं, बनाते तो हैं और बजाते भी हैं, एक ही यही इंस्ट्रूमेंट नहीं और भी इंस्ट्रूमेंट वो बहुत अच्छा, चाहे वो डम्बर हो चाहे वो हमारे यहाँ का मशक बीन हो, वो भी बहुत अच्छा बजाते हैं, तो सुनते हैं। कैसा है जैसा? ठीक आ रही है, बाद में आएगा ना, अभी थोड़ा टाइट लग रहे हैं, टाइट लग रहे हैं ना। हाँ चाचा बहुत स्पेशलिस्ट हैं उड़के के, तो उड़के के और भी इंस्ट्रूमेंट जो भी है हमारे यहाँ के कुमाऊँ के वाद्य यंत्र, तो उन पर मारत है इनको, तो ये बता रहे हैं कि कैसा है, तो इनके पास टेस्टिंग के लिए लाया हूँ, तो फीडबैक दे रहे हैं कैसा है।